सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आप जो तबीयत होगी, आपका जो सब कुछ माहौल होगा अभी ठीक ठाक होगा एग्जाम के बाद। तो अभी आज के वीडियो में बात करेंगे जो आपका रिजल्ट है एग्जाम का, वो कब तक यार आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें डेट बताओ, प्रिडिक्शन करो कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है यहाँ पे डेडलाइन। इसी के साथ साथ जो आंसर की है और जो री एग्जाम का जो होता है, मतलब ये 2-3 साल से हो रहा है टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो री एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा यार बात करेंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अगर कोई चैनल को पहली बार देख रहा है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना फटाफट, नीचे जो रेड बटन है ग्रे कर दो, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज है बहुत सारे ऐसे वीडियोज है कि लो परसेंटाइल पे आपको कौन से कॉलेजेस भरने हैं, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलेगी, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें यार हमारे चैनल के ऊपर होंगी विदाउट एनी यार यहाँ पे फीस वगैरह कुछ भी नहीं। पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है मैं आपको फ्री में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जो प्रीवियस वीडियो है जाके यार चेकआउट जरूर करना, जो काउंसलिंग के लिए प्रोसेस के लिए, जो एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, एंड काउंसलिंग प्रोसेस यार एग्जैक्टली क्या है, उसमें कौन से स्टेप्स है उसके बारे में मैंने बात करी है एक सेकेंड वीडियो में, इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो है जाके चेकआउट जरूर करना, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो रेड बटन है ग्रे कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में लिख देना वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है? और बात यह है ना कि जो कॉलेजेस की लिस्ट होती है 100 कॉलेजेस की, 70 कॉलेजेस की, मैं अपने हिसाब से डिजाइन करके देने वाला हूँ, जो हर एक बंदा डाल सकता है, इवन टॉपर हो या यार कोई भी हो, ठीक है? मतलब जिसका लो परसेंटाइल है फिर भी वो डाल सकता है, अच्छा कॉलेज वो ग्रैब कर सकता है, ठीक? तो रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, तो पहले री एग्जाम का बात कर लेते हैं कि री एग्जाम यार कब हो सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि री एग्जाम होने वाला है, और जो री एग्जाम है बस उन्हीं के लिए जो टेक्निकल इश्यूज फील करे थे एग्जाम के दौरान, मतलब किसी कारण उनका एग्जाम यार इंटरप्ट हो गया था, बंद हो गया था, बंद होके फिर यार लॉग इन हो गया, ये सारी चीजें यार वहां पे होती है, तो जिन्होंने ये डिफिकल्टीज फेस करी है बस वही लोग यार यहाँ पे अपियर कर सकते हैं फॉर द री एग्जामिनेशन ऑफ MHTCET। तो बस वही लोग जाके उस साइट के ऊपर रजिस्टर करना है पहली बात। बहुत सारे लोग वो भी पूछ रहे हैं मुझे कि यार तबीयत खराब है, तबीयत खराब थी मेरी, ये तो किसी कारण शादी थी हमारे घर, नहीं तो ये था बर्थडे था फलाना था ढिमकाना था, तो इसी कारण यार मैं एग्जाम नहीं दे पाया, ठीक है? मैं इसी कारण एग्जाम नहीं दे पाया तो मैं री अपियर कर सकता हूँ क्या? तो यार नहीं यार, ठीक है, जाहिर सी बात है नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास यार डेटा होता है कि जिनका यार टेक्निकल इश्यूज के कारण यहाँ पे एग्जाम में यार डिफिकल्टी हुई थी, तो बस उन्हीं लोग यार वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? पहली बात तो ये, तो यार वही जाके लोग यार यहाँ पे रजिस्टर कर लेना और एक बारी, और अपना एग्जाम आप रीअपियर कर सकते हो, ठीक है? तो अभी बात करते हैं यार कि रीअपियर का जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार कि अभी यहां से 2-3 दिन अगर रजिस्ट्रेशन चलता है पूरा, तो एंड ऑफ दिस मंथ, पर्टिकुलर मंथ, ठीक है, जो 29 तारीख है, नहीं तो 30 तारीख होगी, नहीं तो जो फर्स्ट हफ्ता भी हो सकता है सितंबर का, तो उसमें प्रोबेबली ये एग्जाम चलेंगे री एग्जाम, ठीक है? तो जो पिछले 2-3 साल से जो पैटर्न है ना उसके हिसाब से बताता हूं मैं, री एग्जामिनेशन के बाद तुरंत 2-3 दिन बाद, तुरंत 2-3 दिन बाद आपका आंसर की डिक्लेयर होता है, ठीक है? आपका जो आंसर की वो डिक्लेयर होता है 2-3 दिन बाद तुरंत, ठीक है? मतलब अगर 20 तारीख को मेरे एग्जाम खत्म हुए थे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस 20 अगस्त को अगर मेरा एग्जाम यहाँ पे खत्म हो रहे, तो 20 22 23 तारीख तक यार आंसर की रिलीज हो जाती है सारे शिफ्ट्स की, ठीक है? तो मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो विद इन 2 और 3 डेज आपका आंसर क्या आपको मिल जाएगा आपके शिफ्ट का पर्टिकुलर, ठीक है? तो अभी यार रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं, रिजल्ट का क्या सीन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यार कि यहां से कंप्लीटली 1 मंथ, ठीक है, मतलब अगर आंसर की डिक्लेयर होती है तो वहां से 20 दिन का आप टाइम पीरियड मिनिमम मान सकते हो, मिनिमम बोल रहा हूँ, ये सीटी सेल है, और सीटी सेल का आपको पता है यार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज वो क्रिएट करती है रिजल्ट में या जो भी वो प्रोसेस करते हैं, तो वहां से यार 20 दिन में मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा भी लग सकता है, तो मिनिमम 20 दिन। तो अगर मैं ऐसा मानूं कि 8 सितंबर, चलो मानते हैं 8 सितंबर को आपकी आंसर की आ जाती है, लेट सपोज, ठीक है, तो वहां से 20 दिन मतलब 28 सितंबर, तो मतलब लमसम यहां से 1 मंथ का टाइम पीरियड यहाँ पे लग जाएगा आपके रिजल्ट आने में, ठीक है? तो मेरा प्रेडिक्शन यही होगा कि जैसे ही आपका री एग्जाम खत्म होता है
तो वहां से 2 या 3 दिन में आपके आंसर के डिक्लेयर हो जाएगी, और वहां से 20-25 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो तुरंत स्टार्ट होती है आफ्टर योर रिजल्ट्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना, ये सारी चीजें, फिर कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, द स्पेशल राउंड, ये सारी चीजें यार मैंने एक्सप्लेन करी है एक एक को, तो जाके यार चैनल को यार जरूर आप चेकआउट करिए। तो मेरा प्रेडिक्शन था, आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं स्टूडियो में, स्टे ट्यून ऑल द बेस्ट, और काम करते रहिए, हैव अ गुड डे।